नमस्कार दोस्तों, स्वागत इस वीडियो में। बात करने वाले हैं बीपीएससी स्कूल टीचर भर्ती का जो है ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। इससे पहले मैंने आप लोग को जो है डेमो वीडियो भी बनाया था जब डेमो का लिंक एक्टिवेट हुआ था। अब जो है फाइनल आवेदन शुरू कर दिया गया है। आप जो है 12 जुलाई तक फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस वेबसाइट पे और इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिलेगा। आप क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए लॉगिन करने का भी ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह भी देख सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे आपको क्लिक करना। ऑनलाइन अप्लाई बटन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे देखिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है और जैसे मान लीजिए आपका नाम सपोज जो है दिलीप कुमार है तो यहाँ पे आप अपना जो है फर्स्ट नेम लिख देंगे और लास्ट नेम में कुमार डाल देंगे। अगर किसी का तीन अक्षर का नाम है तो वो बीच में भी एक नाम ऐड कर सकता है, मतलब दिलीप कुमार सिंह मान लीजिए है तो दिलीप यहाँ कुमार और लास्ट वाले में सिंह कर देंगे। और किसी का मात्र जो है एक ही है तो एक ही, यहाँ पे केवल दिलीप ही है तो दिलीप ही, कुमार सिंह वगैरह ऐसा कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे अपना ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मिडिल लास्ट ऐसे करके आपको लिखना है। इसको से फादर नेम यहाँ लिखना है, फिर हस्बैंड नेम महिलाओं के लिए जो विवाहित है उनके लिए, मदर्स नेम यहाँ पे आपको लिखना है, सिलेक्ट आईडी टाइप। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जो लोग आधार देंगे उनको जो है यहाँ पे क्या होगा ना कि 200 रुपए कम लगेंगे। अभी मैं आपको देखिए पैन कार्ड चूज करूंगा तो बोल रहा है कि आपने पैन कार्ड चूज किया हुआ तो आपको एडिशनल 200 रुपए आपको जो है चार्ज देना होगा। तो इस चीज को ध्यान देना है, जिनके पास आधार कार्ड है वो अपना आधार कार्ड यहाँ चूज करके और 200 रुपए अपने बचा सकते। पैन कार्ड है जिसको पैन कार्ड भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब यहाँ अपलोड आधार पीडीएफ, आधार कार्ड की पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। जैसे मान लीजिए ये आपका आधार कार्ड है, यहाँ फ्रंट है बैक है, तो ऐसे आपका जो है पीडीएफ बना होना चाहिए, इस तरह से स्कैन किया हुआ और वही वाला जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। 100 KB से कम होना चाहिए पीडीएफ फाइल, आसानी से अपलोड होगा। यहाँ बोल रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया आपको यस कर देना है, आर यू परमानेंट रेसिडेंट स्टेट ऑफ बिहार आपको यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट आपको देना है रेसिडेंशियल का, निवास प्रमाण पत्र का। तो अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे जो की आपके निवास प्रमाण पत्र पे मिल जाएगा। कब आपने इश्यू करवाया हुआ है तो हाल ही का जो है आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देनी है। तो अपना जो है सर्टिफिकेट का डेट और मंथ और यहाँ पे चूज कर लेंगे ईयर और उसके बाद से उसको भी आप जो है स्कैन करके पीडीएफ में 100 KB से कम रखिएगा, अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे कैसे अपलोड करना है, सिंपल है। देखिए आप इसको चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट इसको चूज किया, आप ओपन करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका अपलोड हो गया निवास प्रमाण पत्र, तो ऐसे आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या आप जो रिजर्व कैटेगरी जैसे कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना जो है कैटेगरी चूज करेंगे कि आप ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ईबीसी बीसी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और जैसे आप इस कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी चूज करेंगे तो उसका जो है कास्ट नेम बताना होगा आपको और सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना होगा और कब आपने इशू करवाया हुआ है। यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से जो है ड्रॉप डाउन आएगा, इसमें से जो भी आपका कैटेगरी है कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो बीसी में जो है इतने सारे कैटेगरी जो है बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे सारा कैटेगरी का नाम आपको मिल जाएगा बीसी कैटेगरी में। आप यहाँ चाहे तो लिखेंगे ना अपना कैटेगरी का पहला नाम तो यहाँ पे वो सजेस्ट भी करेगा, देख रहे हैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। इस तरह से आप जो है अपना कैटेगरी को चूज करेंगे। ईबीसी में अगर कोई आता है तो ईबीसी चूज करेगा और ईबीसी में जितने भी कैटेगरी आते हैं वो सारा कैटेगरी यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको अपना कैटेगरी नहीं पता है कि आप ईबीसी से है कि बीसी से है तो आप यहाँ पे बारी बारी से सबको जो है खोल खोल के देख सकते हैं कि मेरा कैटेगरी किधर है और वो वाला कंफर्म कर लेंगे आप, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं। अब आपको आता है कि यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सेम 100 KB से कम होना चाहिए, आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर सपोज कोई जो है जनरल से आता है तो वो यहाँ पे नो कर देगा, ये सब हट जाएगा और वो यहाँ पे चूज भी नहीं कर पाएगा इसमें से कोई कैटेगरी। इस तरह से अब आपको जो है मैरिड बताना है कि अनमेरिड है कि मैरिड है, यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, जेंडर बता देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि आर यू ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन है फ्रीडम फाइटर के, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर हाँ करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं है कोई बंदा इस तरह का कैंडिडेट तो यहाँ पे नो कर देगा। ये पूछ रहा है अगर आप विकलांग है तो हाँ करेंगे और अपनी विकलांगता के बारे में यहाँ पे जानकारी को बताएंगे, किस प्रकार की विकलांग है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ पे आपको जो है उसका प्रमाण पत्र आप जो है किस अस्पताल से जो है आपने बनवाया हुआ है। तो जो भी विकलांग बंदे हैं उनको जो है निर्गत कराना होगा प्रमाण पत्र किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल से और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, डिसेबल मिलेगा। अब यहाँ एक ऑप्शन आता है कि क्या आप जो है कॉन्सेशनल फी जो लग रहा है एससी एसटी डिसेबल्ड या फीमेल को, उनको थोड़ा सा फी कम है, छूट है, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं, अगर आप जो है एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स होंगे विकलांग होंगे तो आपको ये यस करने का ऑप्शन आएगा। अगर कोई जनरल है बीसी है ईडब्ल्यू से तो उनको ये यस नो करने का ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है, उनको ऑलरेडी यहाँ पे यस मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप छूट लेके पैसा जमा करना चाहते हैं तो हाँ करिए, नहीं करना चाहते तो पूरा का पूरा पैसा आपको लगेगा, नो कर देंगे तो आप यहाँ यस कर दीजिएगा अगर आप छूट लेना चाहते हैं पैसे में। तो अब ये पूछ रहा कि आप एक्स सर्विसमैन है तो हाँ करेंगे और अपना सर्टिफिकेट वगैरह बता देंगे, उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ये पूछ रहा है कि पंचायती राज
संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत अगर आप जो है नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना डेजिग्नेशन बता देंगे, स्कूल का नाम बता देंगे, कहाँ जो है पढ़ा रहे हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रहे हैं, और उसका जो है एनओसी या ज्वाइनिंग लेटर का जो है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे बता सकते हैं, इशू डेट और उस एनओसी या ज्वाइनिंग का जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट की पीडीएफ को। नहीं है आप टीचर तो आप इसको सिंपल नो कर देंगे, ये डिसेबल मिलेगा। अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है और ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ अच्छे से नहीं भरेंगे तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। कोई ऐसे बंदे हैं जो तीनों टीचर वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, कोई ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ जो है कंप्यूटर विज्ञान के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, कोई ऐसे बंदे केवल संगीत विषय के लिए एलिजिबल है, तो ऐसे कोई ऐसे बंदे जो सिर्फ एक से पांच के लिए एलिजिबल है, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी जानकारी को भरेगा तब जाके जो है वो आगे जो है अप्लाई कर पाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम केवल एक से पांच के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एक से पांच के लिए भी आप फ्लेक्सिबल आवेदन दे सकते हैं। अगर कोई जो है तीनों के लिए एलिजिबल, जैसे प्राइमरी टीचर हो गया, उसके वजह से आपको जो है 9 से 10 के लिए या 11 से 12 के लिए, तो तीनों के लिए आवेदन दे सकता है। यहाँ पे आपको अच्छे से चॉइस करना होगा तब जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं तीनों एक साथ, ठीक है। वो एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप तीनों के लिए एलिजिबल है कि किसी एक विषय के लिए आप एलिजिबल है, किसी एक जो है कक्षा के लिए एलिजिबल है, तो ये डिपेंड करता है। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप जो है इस भर्ती की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 जो है डीपीएससी 7th फेज शिक्षक भर्ती का जो है महापैक लेकर आ चुका है। इस महापैक में जो आपको 1000+ आवर्स लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्स का कंटेंट मिलेगा, आपको ई बुक्स हमेशा मिलते रहेंगे, टॉपिक लेवल नॉलेज टेस्ट आपको जो है हमेशा लिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए जैसे कि आप लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो आप बाद में उसे जो रिकॉर्डेड क्लास आपके जो है देख सकते हैं, ये भी व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको जो इसमें 4 एग्जाम को कवर करे जाएंगे, बीपीएससी प्राइमरी टीचर, बीपीएससी सेकेंडरी टीचर, बीपीएससी हायर सेकेंडरी टीचर और बीपीएससी की भी एग्जाम को यहाँ पे कवर करे जाएंगे। तो अगर आपको इस बैच को लेना है तो आप जो है ज्वाइन करिए, मैंने आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। एक चीज और बता दूं, आपको जो है एक्स्ट्रा में टेस्ट सीरीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे महापैक में ही टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। 504 टेस्ट सीरीज आपको जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। इसके अलावा इनको अलग अलग भी कोर्सेज है, जैसे की प्राइमरी टीचर के लिए अलग है, सेकेंडरी टीचर के लिए अलग है या हायर सेकेंडरी के लिए अलग है। अगर अलग अलग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अड्डा 24/7 आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको जो शिक्षक भर्ती की सारी जो है जानकारी मिल जाएगी और सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स आप अपनी जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं अड्डा 24/7 के द्वारा। अब आइए जानते हैं कि यहाँ पे आपको जो किस प्रकार से चुनाव करना है ताकि आपका जो है अच्छे से आवेदन हो सके। यहाँ पे देखिए इससे पूछ रहा है कि आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक चुनाव करें। तो अगर आप मान लीजिए बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, मतलब इस तरह के कोई भी कोर्स आपने किया हुआ है, तो ये पहला वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। या अगर मान लीजिए केवल आप जो है कंप्यूटर विषय विज्ञान के लिए आवेदन देना चाहते हैं जो 11वीं से 12वीं के लिए है, जिसमें बीएड नहीं मांगा गया है, किएमबीए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नहीं मांगा गया है, तो आप दूसरा ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर कोई ऐसा बंदा जो केवल संगीत विषय म्यूजिक टीचर बनना चाहता है तो ये वाला ऑप्शन को चूज करेगा। तो इसमें से जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चॉइस करेंगे। इसमें से आता है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा दस्ता परीक्षा कौन सा है, आप पात्रता परीक्षा के बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप चूज करते हैं तो यहाँ पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपने सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है, या बिहार स्टेट पेपर 1 केवल जो है आपने क्वालिफाई किया जिसमें माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए आप आवेदन दे सकते हैं, या बिहार स्टेट पेपर 2 अगर क्वालिफाई किया तो उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है ऑप्शन, अगर कोई बंदा तीनों किया हुआ है तो तीनों को जो है टिक कर सकता है इस प्रकार से। देखिए तीनों का यहाँ पे ऑप्शन जो है टिक करने का आएगा, इस तरह से तीनों को टिक कर सकता है। अगर कोई बंदा जो है कोई एक किया हुआ है तो कोई एक भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मान लीजिए उचार है कि नहीं हम बिहार स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किए तो बिहार स्टेट पेपर 2 ही वो चूज कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए चूज करेंगे तो पूछ रहा है कि आप किस वर्ष जो है उत्तीर्ण हुए थे, या 2019 वाला शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हुए थे, या जो है आपने वाणिज्य संकाय जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता हुआ था 2022 में वो आप उत्तीर्ण हुए थे या अन्य थे। इसी तरह से बिहार स्टेट पेपर 1 अगर आप कोई क्वालिफाई है तो वो भी पूछेगा कि 2019 वाला या अन्य वाला, तो इसमें भी आपको कंफर्म करना होगा कि आप कौन सा जो उत्तीर्ण हुए थे। अगर कोई बंदा जो है मात्र जो है सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया तो वो केवल इसको टिक करेगा, ओके करेगा। ओके करते ही फ्रेंड्स अब जो है वो आगे आपको बताना होगा कि इंटर सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 का जो है डिटेल्स, 1 से 5 वर्ग के लिए वो अध्यापक बनेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे, इशू डेट बताएंगे और उसका जो है सीटेट का जो है पीडीएफ अपलोड करेंगे या बीटेट का जो है पीडीएफ अपलोड करेंगे पेपर 1 का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अब काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट नंबर हम कहां से लाएं, तो फ्रेंड्स जब आप जो है अपना मार्कशीट डाउनलोड किए होंगे डिजी लॉकर से तो वहां पे आपको मार्कशीट के ऊपर कहीं ना कहीं जो है सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर जरूर होगा। यहाँ नहीं लिखा होगा कि सर्टिफिकेट नंबर ही है वो, लेकिन वो चीज आप मेंशन करके जो है यहाँ पे आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई बंदा जो है ये भी किया हुआ है तो वो भी टिक करेगा, इसको टिक करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो भी देखिए बिहार स्टेट पेपर 1 का जो है डिटेल्स मांगेगा जो 9 से 10
के लिए यहाँ पे है सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट और उसको अपलोड करना होगा। अगर कोई बंदा जो है पेपर टू भी क्वालिफाई किया है, बिहार जो पात्रता परीक्षा होता है बिहार स्टेट, तो वो यहाँ टिक करेगा तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे मांगेगा कि उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, तो इस तरह से आपको भरना है। दूसरा ऑप्शन ये भी आता है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई पात्रता परीक्षा नहीं पास है, वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है, ऐसा भी कैंडिडेट हो सकता है, वो ये वाला ऑप्शन को चूज करेगा तो यहाँ पूछेगा कि आपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है, 1 से 5 या 9 से 10 या 11 से 12, और फिर उससे संबंधित जो भी विवरण है आपको यहाँ पे देना होगा और उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा डाटा से। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आगे में चूज करना है, तो आप अपने जो है अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, चॉइस करेंगे। यहाँ पे जब आप ये वाला चूज करेंगे ना तो यहाँ पे पूछेगा कि ये चूज करिए, और फिर अगेन आपको ये वाला चूज करने का ऑप्शन आएगा, देख रहे ना यहाँ पे इस तरह से। तो थोड़ा सा आपको जो है पहले ये चूज करिए, फिर ये यहाँ एरर आएगा तो इसको आप बोलेगा कि इसमें से कोई चूज करिए, तो ये चूज कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपको टिक कर देना है इस तरह से। जैसे फ्रेंड्स आप जो है अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे, यहाँ पूछेगा कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्लास 1 से 5 के लिए या 9 से 10 के लिए, तो जो आप क्वालिफिकेशन फुलफिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आपका जो है खुल के आएगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे टिक कर देंगे। अगर आप दोनों के लिए टिक करेंगे तो दोनों के लिए यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, अगर आप सिंगल के लिए टिक करना चाहते हैं सिंगल के लिए भी आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आ गया कि न्यूनतम आपको कितना परसेंट केस में क्या चाहिए, यहाँ पे ओके कर देंगे, इसको भी आपको टिक करना तो टिक कर सकते हैं। तो जो आप फिल करेंगे जानकारी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है पोस्ट अप्लाइड फॉर आएगा। अगर आप केवल सीटेट पेपर 1 का ही जानकारी ऐड करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 1 से 5 ही दिखाई देगा, अगर आप जो है पेपर 2 भी क्वालिफाई किए थे बीटेट वाला तो यहाँ पे जो है 11-12 का भी ऑप्शन देगा, ठीक है। अब यहाँ जैसे मैंने टिक किया, यहाँ पे पूछ रहा है सब्जेक्ट बताइए कि आप उर्दू बांग्ला या सामान्य रखना चाहते हैं 1 से 5 वाले टीचर में या 9 से 10 वाले टीचर में, आप कौन सा विषय रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको जो है आएगा ऑप्शन, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि अपना एड्रेस बताइए, जो भी आपका एड्रेस है तो एड्रेस आप अच्छे से जो है प्रेजेंट एड्रेस या सबसे ऊपर पूछ रहा है, नीचे में परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो ये सेम है तो सेम भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपको जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है एडवर्टाइजमेंट में जो बताया गया वो आप फुलफिल कर रहे हैं, आप यहाँ पे यस कर देंगे, और यहाँ पे यस करना ही है सबको, नो कोई नहीं कर पाएगा, अगर नो करेगा तो लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ यस करना है। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस को आपको लिखना है, दोबारा ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है और वेरीफाई करना है, इसके वजह से मोबाइल नंबर को लिखना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल पर ओटीपी जाएगा और यहाँ पे मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ लिख देंगे, फिर जो इस कैप्चा कोड को भरेंगे और सबमिट रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे सबमिट करेंगे इस प्रकार से कन्फर्म कराएगा कि आप सारी जानकारी को चेक कर लिए कि नहीं चेक कर लिए, अगर इसमें कुछ भी गलती है तो बाद में सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जो है सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को एक बार दो बार जो है अच्छे से मिलान कर लीजिए, फिर यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करते ही आपका जो है यहाँ पे इस प्रकार से सेविंग लिखेगा, प्लीज वेट, आपको थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद से यहाँ देखिए आपको रजिस्टर नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड, ये 3 चीज आपको मिल जाता है, और इसको आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, प्रिंट आउट निकाल के इसका हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको जब भी एडमिट कार्ड आएगा, आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, इसी यूजर आईडी पासवर्ड से फ्यूचर में लॉग इन करते हुए आपको सारे काम को कंप्लीट करने हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे, जैसे भी हो लिख लीजिएगा सही से यूजर नेम पासवर्ड। अब क्या करना है, इस यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉग इन करना है, तो अगेन आप आ जाएंगे इस पेज पे जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया, यहाँ अप्लाई किए, और यहाँ देखिए ऊपर में यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन आ रहा है, तो जो यूजर नेम पासवर्ड आपको मिला है वो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और आप लॉग इन कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉग इन करेंगे, आप यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे और आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको सबसे पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है बटन, आप इस पे क्लिक करेंगे, इस जैसे क्लिक करेंगे एक नया जो है विंडो में एक फॉर्म खुलेगा आपका, तो ये ओपन हो रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म ओपन होगा, और यहाँ जो है यूज योर कैमरा, कैमरा अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, आप अलाउ कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, वेबकैम के माध्यम से जो है आपका यहाँ पे फोटो लिया जाएगा, न कि आपको फोटो अपलोड करनी है, ये ऑलरेडी जो है नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, एक नया जो है नोटिफिकेशन बीपीएससी की वेबसाइट पे होम पेज पे आपको आएंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है कि फॉर्म भरने का जो गाइडलाइंस है क्या है, तो जो वेबकैम के माध्यम से आपको जो है फोटो यहाँ पे लिए जाएंगे, और ध्यान रहे आप इंश्योर कर लीजिए फॉर्म भरने से पहले कि जिस भी कंप्यूटर से आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें वेबकैम है कि नहीं है, वेबकैम बहुत मैंडेटरी है, आपको फॉर्म भरते समय फोटो खींचना है, लाइव फोटो खींचना है। अब आगे हम बता देंगे कैसे होगा वो। अब यहाँ देखिए इस प्रकार से जो है आपका आएगा, आपने जो भी फॉर्म भरा था, आप नीचे आएंगे इस वाले पेज में, आपको कुछ भी कहीं नहीं भरना है, सीधे आप नीचे आएंगे या नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे आपको जो है जानकारी खुल के आएगी, जो आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा या बीएड वगैरह की जानकारी चुनाव किया था वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखे आ रहा है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे जो है आपने जो विषय चूज किया था, कौन से विषय के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, कौन से क्लास के लिए, वो यहाँ आएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि विद्यालय अध्यापक मूल कोटि 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी, तो यहाँ ड्रॉप डाउन आएगा, यहाँ से आपको चुनाव करना है कि आप जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ
उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्ष डिप्लोमा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, डीएलएड वगैरह जैसे कोर्स आप किए हैं, तो पहला वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। 1 से 5 के लिए जो क्वालिफिकेशन है, मतलब इंटर 50% और यहाँ डीएलएड मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है, ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे अगर कोई बंदा है तो जैसे आप ये चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है 12वीं की जानकारी, स्ट्रीम बताएंगे, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट का नाम और बोर्ड का नाम, और कितना में कितना नंबर आपको मिला वो 10 मार्क और फुल मार्क, परसेंटेज यहाँ पे आपको बताना होगा, और 12वीं की सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ देखिए अपलोड इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको जो है मार्कशीट क्या कर देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है 12वीं का, और उसके बाद से यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आप जो है अपना डीएलएड की जो है स्ट्रीम बताइए, द्विवर्ष से जो डिप्लोमा आपने किया हुआ है, और पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट का नाम और बोर्ड का नाम, और कितना में कितना परसेंट आपको मिला है ये बता देंगे, कितना में कितना मार्क्स मिला परसेंटेज के साथ, और उसके बस यहाँ पे आपको जो है क्या कर देना है, अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट्स को। अगर कोई बंदा अपीयरिंग है, सपोज अपीयरिंग, तो बोल रहा है कि मेरे शिक्षक प्रशैक्षणिक परीक्षा का आयोजन इतना तक पूर्ण हो जाएगा इसकी मैं घोषणा करता हूँ, जिससे आप इसको टिक कर देंगे। अगर कोई अपीयरिंग बंदा है तो 31 अगस्त 2023 तक वो एग्जाम दे देता है और रिजल्ट बाद में भी आता है तो फॉर्म भर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई डीएलएड जो है लास्ट ईयर में अपीयरिंग है, या जो है सीटेट जुलाई का जो है अभी वो फॉर्म जो है भरा हुआ है और जुलाई में उसका एग्जाम हो जाएगा, तो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है और नोटिफिकेशन में ऐसी जानकारी दी गई है कि आपका जो है रिजल्ट जो है मतलब एग्जाम रिजल्ट नहीं, रिजल्ट बाद में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो गया है आपका परीक्षा, जो आप मतलब शिक्षक पात्रता हो या सीटेट वगैरह हो, तो आप जो फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा मेंशन किया गया है, ठीक है ना। फिर से आपको बताएंगे अगर इसी में से मान लीजिए आप दूसरा यहाँ पे क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, देखिए कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख रहे ना, यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि अगर आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्ष जो है बीएड एमएड किए हैं, तो ये भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर कोई बंदा जो है 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र बीएड किया है, तो ये भी वो ऑप्शन चूज करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आपको भरने का ऑप्शन आएगा। ग्रेजुएशन की देखिए जानकारी मांग रहा है, तो जो बंदा जिस तरह के क्वालिफिकेशन किया है उस तरह से अपना जो है यहाँ पे चूज करेगा, उसी के अकॉर्डिंग जानकारी को आपको भरना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ये वाला चुनाव किया, बीएड यहाँ आ गया और यहाँ ग्रेजुएशन आ गया, वही अगर हम पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे सपोज, तो यहाँ पे 12वीं और यहाँ पे बीएड डीएलएड की जानकारी मांगेगा, इस तरह से आपको भरना है। अब आपको 9वां 10वां के लिए अध्यापक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यहाँ देखिए आ रहा है कि आपने 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर जो है किए हैं जिस विषय के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं उसमें, और साथ ही साथ आपने जो है बीएड किया हुआ किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त, जैसे आप इस चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए आ जाएगा खुल के, आप उसकी जानकारी भरी, जैसे कि ग्रेजुएशन की जानकारी, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, कितना कितना नंबर मिला है, उसका सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का जो है अपलोड कर देंगे, फाइनल ईयर मार्कशीट, या अगर आपको डिग्री मिल गया तो डिग्री भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, फिर एग्जाम पास में पोस्ट ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। अगर मान लीजिए ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, ये वाला क्वालिफिकेशन आपके पास, तो ये वाला चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पे खुल के आएगा, ये वाला नहीं है, ये वाला आपका है, तो इस तरह से, तो आप जो भी क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जानकारी को आप यहाँ पे चुनाव करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपसे जो है जानकारी अपलोड करने का और जानकारी जो है सबमिट करने का जानकारी पूछेगा। अब यहाँ देखिए आपको जो है स्नातक बीएड की भी जानकारी मांग रहा है, तो बीएड अगेन यहाँ पे आप भर देंगे, उसके बाद से अगर आप जो है अपीयरिंग है तो अपीयरिंग वाले के लिए यहाँ पे आपको घोषणा कर देना है कि इतना तक आपने जो परीक्षा दे दिया है तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे इंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर, मतलब जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी आप जो है बताइए कि कौन सा प्रायोरिटी पे आप पहला कौन सा जो है शिक्षक बनेंगे, 1 से 5 वालों को पहला प्रायोरिटी देना चाहते हैं या 9 से 10 वालों को पहला प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है भर देंगे, 1-2 में आपको जो है नंबर में बताना है। अब इसके बाद से आपको नेक्स्ट कर देनी है, जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी देनी है कि अगर आपका जॉब लगता है तो आप पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा ज्वाइन करना प्रेफर करेंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट की चॉइस कर देंगे और आप देख लेंगे कहाँ आपको अच्छा लगे। आप चाहे तो देख सकते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा सीट है, आप जो विषय के लिए आवेदन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, तो आप अपना सीट के अकॉर्डिंग भी प्रेफरेंस को दे सकते हैं या आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी दे सकते हैं। अब यहाँ मांग रहा है कि आपको इंटर मैट्रिक का डिटेल्स, मैट्रिक यानी 10वीं क्लास की जानकारी भरनी है, तो 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट और अपलोड मैट्रिक सर्टिफिकेट, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो सर्टिफिकेट अगर जो लोग नहीं लिए हैं कॉलेज से या जहां से अपने पढ़ाई किया मैट्रिक, वो आप जरूर ले लीजिएगा, तो सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग रहा है। इसके बाद आता है कि बॉडी में एक पहचान, तो आपके शरीर में जो भी पहचान है वो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, बता देंगे, जैसे कि तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, और देखिए यहाँ पे मेरा फोटो दिखा रहा है, तो फोटो का गाइडलाइंस थोड़ा सा आपको समझना होगा, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जिससे कि यहाँ पे देखिए 14 तारीख के डेट में जो है फॉर्म भरने से रिलेटेड इन्होंने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड कर देता हूँ, जिससे आपको मैं समझा सकूं कि फोटो का गाइडलाइंस क्या है। यहाँ पे लाइव आपको फोटो लेना है, देखिए बोल रहा है कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो जो है मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फोटो क्लिक हो जाएगा, और फोटो जब भी आप ले रहे हैं आगे कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए, जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, देखिए इस प्रकार से मैंने फोटो लिया
और ध्यान रहे बैकग्राउंड में भी कुछ नहीं दिखना चाहिए आपका, कोई सादा बैकग्राउंड होना चाहिए, ना ही कोई आदमी पीछे में दिखना चाहिए। ऐसा फोटो लेना है आपको ताकि जो है साफ सुथरा दिख जाए, और यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई सिंगल कलर हो तो किसी एक सिंगल दीवाल के पीछे आप चले जाइएगा, और ऐसा ध्यान दीजिए कि लैपटॉप जो आप यूज कर रहे हैं उसमें वेब कैम हो, तभी जाके आप फोटो ले पाएंगे। तो इस प्रकार से मैं लिया हूँ, बट ये सही तरीका नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीछे में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए आपके, कोई सिंगल बैकग्राउंड जो है होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए फोटो, सामने से सीधा खड़ा होके, ठीक है। हाफ ही लेना है आपको, और यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन जो है डाउनलोड हो गया है। इस इंस्ट्रक्शन में सारी जानकारी लिखी हुई है कि आपको जो है फोटो कैसे अपलोड करनी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो, और यहाँ बोला गया जिस सिस्टम से आप आवेदन दे रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध हो, साथ ही सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफेद हो। तो यहाँ पे ये फोटो का गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप जो है लाइव यहाँ पे फोटो खींचेंगे और जैसे आप इस पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका फोटो जो है ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर रीटेक करना चाहते हैं, मान लीजिए आप गलत अपलोड करते हैं तो रीटेक का भी ऑप्शन है, रीटेक भी आप कर सकते हैं, तो दोबारा ये रीटेक कर लेगा फोटो को, क्लिक है तो कैप्चर करेंगे तो दोबारा ये कैप्चर कर लेगा, देख रहे हैं इस तरह से मेरा अपलोड हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आपको इंग्लिश सिग्नेचर, तो इंग्लिश सिग्नेचर आप जो है चूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, यहाँ क्लिक करेंगे फाइल चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको चूज कर लेंगे। हिंदी सिग्नेचर भी आप चूज कर लेंगे, और सिग्नेचर का जो गाइडलाइन है 15 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और डायमेंशन जो है 220x100 का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, और यहाँ पे प्रीव्यू वाले बटन का आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो है पेज प्रीव्यू खोलेगा, आप एक बार अच्छे से जानकारी को आप मिलाएंगे, जहां तक आपने फॉर्म भरा है सारा चीज यहाँ शो होगा, आप ऊपर से नीचे यहाँ पे मिलाएंगे, सारी जानकारी सही से भरा है और कुछ भी गलती है आप उसे जो है जाके सुधारेंगे बैग जाके, नहीं गलती है तो मिलाने के बाद से यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पूछ रहे कि आपने सारी जानकारी चेक कर लिया है, आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करते ही आपका देखिए जो है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। प्लीज नोट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है। अब वो बोल रहा है कि दोबारा आप जो है लॉग इन करिए अपने डैशबोर्ड पे, हम एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेंगे, री लॉग इन का ऑप्शन मिलेगा, आप री लॉग इन पे क्लिक करेंगे। जिसे री लॉग इन पे क्लिक करेंगे अगेन आपको जो है यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड भर के आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करते ही यहाँ पे आपका देखिए आपको जो आ जाता है पेमेंट जमा करने का ऑप्शन, तो लास्ट में आपको पेमेंट जमा करना है। आप क्या करेंगे, आप क्लिक हियर फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, सब इस पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपको आएगा ऑप्शन प्रोसीड करेंगे, अगेन आपको ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पे आपको देखिए आपका एप्लीकेशन फी शो होता है, यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप चूज करेंगे। यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, अदर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखिए नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग आप चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा ICICI बैंक रिटेलर या कॉर्पोरेशन या अदर बैंक, तो जो भी आपके पास ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप चूज करेंगे, और आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है उसको आप जमा करेंगे। जमा करने के बाद से आप इसका जो है फाइनल प्रिंट आउट अगेन लॉग इन करके जो है आप निकाल लेंगे। जैसे आप जो है पेमेंट जमा कर देंगे दोबारा आपको बोलेगा लॉग इन करने के लिए, लॉग इन करिएगा और वहां लिखेगा प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट करके आप उसका हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो है बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है, और आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर